हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, दुआ सलाम। सो वंस अगेन यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इंटरनेट इन फिजिक्स। तो चलिए, आज के सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि वर्नियर कैलिपर पे वेस्ट न्यूमेरिकल अगर होगा तो उसको कैसे डील करना है। आ जाइए, एक मिनट, मैं स्क्रीन को ऊपर कर लेता हूँ प्रॉपर वे में। काफी राइट में शिफ्ट हो गया, इसको लेफ्ट में भी कर लिया जाए। हाँ चलिए, अब एक एक करके क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अ बर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क ऑन मेन स्केल, यानी कि मेन स्केल की अगर बात करें तो मेन स्केल पे एक डिवीजन की वैल्यू 1 mm है। इट मींस MSD इज इक्वल टू 1 mm। ओके डन। It has 20 equal divisions on the vernier scale, which match 16 main division for on the main scale. यही बात है। तो लिस्ट कौन पूछा है? तो देखो, 20 VSD अगर हम बात करें तो हो जाएगा 16 MS के इक्वल। MSD मतलब 16 mm। तो यहाँ से VSD की अगर बात करोगे तो VSD हो जाएगा 16/20 mm, यानी कि 0.8 mm। अगर आप इसकी लिस्ट काउंट की बात करते हैं तो हो जाएगा MSD माइनस VSD। मतलब क्या, 1 mm में से 0.8 mm अगर आप घटा देते हो तो कितना आएगा, 0.02 mm। ये आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम बर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट को कैलकुलेट करते हैं। दूसरा केस सही है। दूसरे केस में क्या देखेंगे, बर्नियर कैलिपर वेयर द 10 डिविजन्स इन बर्नियर स्केल मैचेस विद 9 डिविजन्स इन मेन स्केल एंड मेन स्केल हैज 10 डिविजन्स इन 1 cm। अगर हम बात करें तो 10 MSD इज इक्वल टू, यहां से आ गया 1 cm। इसलिए अगर आप MSD की बात करते हैं तो हो जाएगा 1/10 cm, यानी कि 0.1 cm। ओके, या आप यू ही कह लें 1 mm। डन। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि भाई बर्नियर स्केल का 10 डिवीजन, मतलब बर्नियर स्केल का 9 डिवीजन से मैच कर रहा है, इन दोनों डिफरेंस कितना है, 1 डिवीजन। तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने लिखाया था, आपको अगर याद हो, कि लिस्ट काउंट इज इक्वल टू, सीधा लिखो MSD/N। N कौन सा, वो नंबर ऑफ डिवीजन बर्नियर स्केल का जो मेन स्केल से मैच करता। तो बर्नियर स्केल का 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 से मैच कर रहा हो और दोनों का डिफरेंस 1 हो तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो 1 mm/10, यानी कि आंसर हो गया 0.1 mm। तो ये बर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट हो गया। नेक्स्ट केस देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जनाब। क्या है, इन अ वर्नियर कैलिपर 1 mm डिवीजन इज x सेंटीमीटर एंड n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कॉइंसाइड विद n माइनस 1। या देखो, यहां भी दोनों का डिफरेंस 1 है तो डायरेक्टली हम लिस्ट काउंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और बिलीव मी कि आईटी का क्वेश्चन है, आईटी एडवांस का पूछा गया क्वेश्चन है। सो MSD/N, MSD कितना है, x/N। देख लो, शॉर्ट ट्रिक है तो कितना आसानी से हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या है, अ बर्नियर कैलिपर, देयर आर इन अ बर्नियर कैलिपर देयर आर 10 डिविजन्स ऑन द मेन ऑन द बर्नियर स्केल एंड 1 cm ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। तो अगर मैं एक एक करके फिर से सोल्व करता हूँ, यानी कि 10 MSD इज इक्वल टू हो जाएगा 1 cm। क्यों, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है 10 डिविजन्स कहाँ गया एंड 1 cm ऑन मेन स्केल डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, राइट। इसलिए 1 cm। इसलिए MSD की बात करोगे तो MSD हो जाएगा 1 mm। सुनो, MSD हो जाएगा 1 mm। ओके डन। उसका कितना है, हाँ 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल पे 10 डिविजन, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, द जीरो ऑफ द बर्नियर स्केल लाइज अहेड ऑफ वन
अहेड ऑफ 1.8 सेंटीमीटर मार्क एंड फोर्थ डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल कॉइंसाइड विथ मेन स्केल डिवीजन द वैल्यू ऑफ लेंथ। ओके ओके, यहाँ पे हमें डिस्काउंट शायद नहीं दिया है। अच्छा, ये वाला कहीं एक स्टेटमेंट छूट रहा है, कोई नहीं, लेकिन ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा नहीं, मैंने कहीं लिखने में छोड़ दिया है। अज्यूम कर लेते हैं डिस्काउंट इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है। ठीक है जनाब। ओके, अब आते हैं, क्या बोला कि भाई जो मेन स्केल का है, मान लो ये मेन स्केल है, तो मेन स्केल की मान लो ये 1.8 है, तो बर्नियर स्केल का 0 इसके आगे है, लेकिन वो 1.9 से तो पीछे होगा इसके आगे अगर है, और ये नहीं मेंशन है कि कहाँ तक है, तो इसका मतलब है कि वो जस्ट लिखा भी है, जस्ट आई थिंक, हाँ जस्ट अहेड ऑफ, यानी तो यहाँ कहीं बीच में होगा। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब कभी भी बर्नियर स्केल का 0 मार्क एन और एन प्लस 1 के बीच में हो तो रीडिंग हमेशा एन लेते हैं, इसलिए मेन स्केल रीडिंग की अगर बात करोगे तो वो हो जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। अच्छा, अब बात करते हैं बर्नियर स्केल की रीडिंग, तो बर्नियर स्केल रीडिंग होता है एन इंटू लिस्ट काउंट। अगर आपने इसका लिटरली थ्योरेटिकल पार्ट नहीं देखे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा साथ देखिए, काफी क्लासिकल वे में समझाया गया है। अब यहाँ आ जाइए, तो इसका कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, तो ये लिखा हुआ फोर्थ डिवीजन मैच कर रहा है विद अ मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से मैच करे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है कि बर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है। तो फोर्थ डिवीजन मैच किया तो हो गया 4, और लिस्ट काउंट ले लिया 0.01 सेंटीमीटर, तो 0.04 सेंटीमीटर। ओके, इसलिए लेंथ इज इक्वल टू लिखोगे तो हो जाएगा एम एस आर प्लस वी एस आर, यानी कि 1.8 प्लस 0.04, सोल्व करोगे तो हो जाएगा 1.84 सेंटीमीटर। तो ये दिख रहा आपको ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इस तरीके से मैं कुछ मतलब कोशिश किया हूँ कि ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को उठाया जाए जो बर्नियर कैलिपर से पूछे गए हैं अभी तक। तो देखो, अगर कैटेगराइज, तो पहले मैंने डिस्काउंट निकालना सिखाया, दूसरे केस में डिस्काउंट निकालना सिखाया लेकिन शॉर्टकट मेथड से, तीसरे केस में मैंने रीडिंग, तीसरा नूरगल जो कराया उसमें मैंने आपको रीडिंग निकालना सिखाया। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन पर कुछ और देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। The jaw of a vernier caliper touch the inner wall of calorimeter without any undue pressure. The position of zero of vernier scale on the main scale reads 3.8 centimeter. ये हो गया मेन स्केल रीडिंग। तो देखो, अगर मैं सोल्यूशन की बात कर लूँ तो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा 3.48 सेंटीमीटर। The sixth division of vernier scale is coinciding with any main scale division. तो उसको कोई मतलब भी नहीं हमें, और लिस्ट काउंट भी आपको दे रखा है। तो अगर मैं VSR की बात करता हूँ डायरेक्ट, तो कौन सा डिवीजन मैच करा, सिक्स्थ डिवीजन, तो सिक्स इंटू लिस्ट काउंट 0.01, तो 0.06 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड एक्चुअल इंटरनल डायमीटर ऑफ द कैलोरीमीटर व्हेन इट इज ऑब्जर्व दैट बर्नियर स्केल हैज जीरो एरर। अब जीरो एरर मैंने आपको पिछले क्लास में मतलब इसके फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया है। ये कैसा जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर है, तो इसका करेक्शन करना भी मैं सिखाया हूँ। तो मैं क्या बोलूँ कि ऑल टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में कोशिश किया हूँ यहाँ पे पिकअप किया जा सके। तो अगर आप एक्चुअल डायमीटर की बात करते हैं तो देखिए, डायमीटर डी इज इक्वल टू हो जाएगा एस आर VSR। अच्छा, दूसरी बात यह है कि नेगेटिव जीरो तो वो ऐड कर देते हैं, अगर वही पॉजिटिव होता तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 3.8 सेंटीमीटर प्लस 0.06 सेंटीमीटर प्लस कितना है ये 0.03 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको फटाफट आप सोल्व कर लीजिए। जैसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3.48, 0.03, 0.06,
तो ये हो जाएगा 8, 3, 11 और 17, 5 और ये हो जाएगा 3.57 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन मिलेगा आपको राइट। तो देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था और आंसर कितना शॉर्ट तरीके से आ गया है और कितने कम के स्टेप्स में आ गए हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, इसमें भी शायद कुछ नया सीखने को मिले। क्या लिखा हुआ है पहले पढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर विथ नो जीरो एरर। चलिए एक तो पार्ट यहां पता चल गया कि इसके पास कोई जीरो एरर नहीं है। ठीक है। इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर टू 5.15 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल। ठीक है। द वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स, ओके, विच इज इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। द 24th डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कॉन्साइड विद एनी वन डिविजन ऑफ मेन स्केल। यही है तो हमसे पूछा है, फाइंड डायमीटर। राइट। हमसे क्या पूछा है, फाइन डायमीटर ऑफ सिलेंडर। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आई थिंक आईटी एडवांस का पूछा गया है। चलिए तो जो जो डेटा दिया गया वो लिखते हैं। तो समझो पहले क्वेश्चन को समझना है, बड़े प्यार से, बड़ा आसान क्वेश्चन। एक मेन स्केल का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ये मेन स्केल है। अब मेन स्केल में क्या बोला है कि जो जीरो मार्क है वो 5.1 से 5.15 के बीच में है। यहाँ कहीं है जीरो मार्क। तो ये अगर n n प्लस होगा, राइट, ये मेन स्केल का nth डिवीजन है, तो ये n प्लस 1th डिवीजन है। तो आप MSD की वैल्यू फाइंड, तो इन दोनों का जो बीच का गैप होगा डिवीजन के एक, मतलब मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू, तो 5.15 माइनस 5.10 0.05 सेंटीमीटर की बात है, तो सेंटीमीटर। ठीक है। बस इस क्वेश्चन में इतना दम लगाना है, तो बाकी कोई खास दम नहीं था। अच्छा, दूसरा ये बोल रहा है कि भाई 50 डिवीजन जो है किसका, VSD का, वो किसके इक्वल है 2.45 सेंटीमीटर। अब यहाँ आप VSD कैलकुलेट कर सकते हो। 2.45 बाई 50, इसको जब सोल्व करोगे तो यार 0.049 सेंटीमीटर आई थिंक। ठीक है। अब इसके लिए आपको डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, तो डिस्काउंट आप निकाल लीजिए फटाफट। तो जैसे आप डिस्काउंट निकालेंगे तो डिस्काउंट का फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, MSD माइनस VSD, सुनो माइनस VSD। तो जैसे आप लिखोगे 0.05 माइनस 0.049, अब इसको सोल्व कर लो तो 0.050 लिखता हूँ, 0.049 लिखता हूँ, 1000, तो 0.001 सेंटीमीटर। राइट। तो ये हमारा लिस्ट काउंट हो गया जनाब। ये क्या आ गया हमारा लिस्ट काउंट, कम ऑन द पॉइंट। अच्छा, हमारे पास स्पेस कम है, चलिए कोई नहीं, उसी जगह सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लिस्ट काउंट आ गया हमारा 0.01 सेंटीमीटर, सॉरी 0.01 सेंटीमीटर। अब रीडिंग की बात करते हैं, तो मेन स्केल रीडिंग आप निकाल सकते हो। मेन स्केल रीडिंग के बारे में तो ऑलरेडी दे रखा है कि भाई जो जीरो मार्क है वो कहाँ से कहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में है। तो मेन स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा, 5.10 सेंटीमीटर। अच्छा, वर्नियर हो जाएगा एन इंटू डिस्काउंट। तो ये भी दे रखा है कि साइड कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में चल के, ये कहाँ चला गया। क्या दिया है, कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, 24th डिवीजन मैच कर रहा है। राइट। तो ये हो जाएगा 24 इंटू डिस्काउंट 0.001। तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों को ऐड कर देते हैं अपन फटाफट, एक मिनट जस्ट होल्ड। तो 24 इंटू 0.01 करेंगे तो हो जाएगा कितना,
0.024, राइट, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो डायमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 5.10 प्लस 0.240, इसको जोड़ोगे 4215, बी ऑप्शन जा रहा है, राइट। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जो मैं सभी क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर उठाया हूँ, इसलिए उठाया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन जेई मेन या नीट या एडवांस में आते हैं। ऊपर वाला जो दो क्वेश्चंस वो बेसिकली नीट में पूछे गए हैं, बाकी क्वेश्चंस जेई मेन और एडवांस में, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं जनाब, आ जाइए, और ये आई टी एडवांस का क्वेश्चन है, और ये देखिए क्वेश्चन काफी लेंदी आपको पढ़ने में लगेगा, लेकिन सोल्यूशन बड़ा आसान है। पहले क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग सेल्स एक्सपेरिमेंट जीरो ऑफ द बर्नियर स्केल लाइज बिटवीन दिस टू दिस, तो यहां से मेन स्केल की रीडिंग आपके पास आ जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग। तो लिखते चलोगे अगर, तो एम एस आर इक्वल टू हो जाएगा 3.10⁻²। ओके, द मेन स्केल, उसके बाद क्या 20th डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद वन ऑफ द मेन स्केल, ठीक है, तो वी एस आर इक्वल टू 24 * लिस्ट काउंट। अच्छा लिस्ट काउंट कितना दिया गया है क्वेश्चन में, एक बार पढ़ते चलते हैं अपन, एनी वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, व्हेन एन एडिशनल लोड ऑफ 2 kg इज अप्लाइड टू द बायर द जीरो ऑफ द बर्नियर स्केल लाइज बिटवीन दिस वन एंड दिस वन ऑफ द मेन स्केल, बट नाउ 25th आते हैं लिस्ट काउंट के बारे में कर लेते हैं। लिस्ट काउंट ये दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 24 × 10⁻⁵, ठीक है, मीटर। तो हम बात कर ले तो L1 हो जाएगा, लेंथ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3.0 × 10⁻², 24 × 10⁻⁵ मीटर। चलो इसको होल्ड कर देते हैं, यहीं पर रहने देते हैं। अब फिर यहां से क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है, व्हेन एन एडिशनल लोड, एक्सपेरिमेंट क्लास 11 का प्रैक्टिकल है, उस सब वो डेटा तो मैं रखता होता हूँ, एक्सपेरिमेंट का वो फोटो तो है नहीं मेरे पास, बताऊंगा मैं आपको, बस थोड़ा सा मैं रफली ड्रॉ करके बता देता हूँ कैसा होता है। देखिए क्या होता है, व्हेन एन एडिशनल लोड ऑफ 2 kg अप्लाइड टू द वायर द जीरो ऑफ बर्नियर स्केल लाइज बिटवीन द सेम, इसके और इसके बीच में, जो पहले के बीच में था, ठीक है, बट क्या बोला है 45 राइट डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल कॉइंसाइड विथ वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो बर्नियर स्केल के रीडिंग में चेंज हुआ है, पहले ये 23 था, अब 45th हो गया है। तो बेसिकली हुआ क्या, मेन स्केल 2 kg का लोड जो हमने डाला उससे मेन स्केल पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, फर्क किस पे पड़ा है, तो बर्नियर स्केल के रीडिंग पे पड़ा है, ठीक है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे रखा है, एक्चुअल लेंथ कितना है बायर का वो दे रखा है, फिर उसके बाद बोला है लिस्ट काउंट दे रखा है, आपसे क्या पूछा है फाइंड द परसेंटेज यंग्स मॉडुलस ऑफ द बायर। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आईटी एडवांस का है, सुनिए क्वेश्चंस को मैं और थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। बेसिकली सीएल एक्सपेरिमेंट की अगर बात करेंगे, एक्सपेरिमेंट तो इस तरीके का एक स्टैंड होता है, सुनिए इस तरीके का क्या होता है, एक होता है इसमें, और यहां पे एक स्प्रिंग लगा होता है इस तरीके का, अगर उन्होंने बायर लिया है तो बायर ले लीजिए, और यहाँ पे एक इस तरीके का हुक होता है। अब इस हुक में करते क्या, हम लोड को डालते जाते हैं, जैसे ये हुक है
एक लोड आता है, आप लैब में कभी जाओगे तो आपको दिखेगा लोड में एक कट लगा हुआ, तो उस कट के थ्रू इसको यहाँ पे फंसा देते हैं। तो जैसे आपने अभी तक खैर आप नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आगे जाके पढ़ोगे कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम वेट डालते हैं तो उसके लेंथ में इलोंगेशन होता है। तो पहले अगर इसकी लेंथ ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, 2 मीटर थी। सुनो, पहले इसकी ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर थी। कुछ भी डाल दिया मास का, तो इसका जो मेन डिवीजन आ गया इसके बीच में आ गया 3.25 और जो भी है वहां पे, ठीक है। मेन स्केल का रीडिंग कितना आ रहा है, 3.20 × 10⁻², और आ रहा है 3.25 × 10⁻²। और इस समय बर्नियर स्केल का जो डिवीजन मैच कर रहा है वो 24 डिवीजन। अब क्या बोला था कि अगर एक्स्ट्रा लोड में डालता हूँ 2 kg का एक्स्ट्रा लोड, तो इस मेन रीडिंग अभी भी सत्य मान लो यहाँ पे, लेकिन वो उन दोनों के बीच में ही है, लेकिन वर्नियर स्केल का रीडिंग चेंज हो गया कि 45th मैच कर रहा है। तो अब यहाँ तक ये शेयर एक्सपेरिमेंट का थोड़ा सा आइडिया आपको दिया है। अब क्वेश्चंस में है क्या वो समझना, यंग्स मॉडुलस में आपको क्या फाइंड करना है। तो यंग्स मॉडुलस में आपको एरर फाइंड करना है। तो यंग्स मॉडुलस का पहले फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू लेंथ बाई एरिया इंटू चेंज। आप इसमें पावर रूल या डिविजन डेल्टा एफ बाई एफ प्लस प्लस, अच्छा इस डेल्टा एल को स्मॉल एल में मान लेता हूँ, कैलकुलेशन आसान हो जाए। डेल्टा ए बाई ए डेल्टा एल बाई एल, बस इतना। अब देखिए ये एक्चुअल लेंथ 2 मीटर दे रखा है, एक्चुअल लेंथ जो है कितना दे रखा है, एल इज इक्वल टू 2 मीटर, तो इसमें किसी तरह की कोई एरर नहीं है, जीरो। फोर्स 2 kg लगाया है तो भाई फोर्स मास हो जाएगा, इस मतलब एम जी, इसमें भी कोई एरर नहीं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, इसमें भी कोई एरर नहीं। सब लिखेंगे डेल्टा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एल वाई ए, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको होल्ड कर देते हैं, डेल्टा एल कितना आएगा वो फाइंड करना है। एक्चुअली ये वाला डेल्टा एल लिख दो, ये डी एल या डी एल लिख दो, उसको डेल्टा एल, इसको डी एल। कैलकुलेशन को थोड़ा सा समझने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि तो देखो ये ऑलरेडी चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ में भी कितना एरर होगा वो लिखा है, तो इसको हम लिख देते हैं डी एल। अब डेल्टा एल फाइंड करते हैं, तो पहले आप एल एल वन तो फाइंड कर चुके हो ना, जब 2 kg लोड नहीं डाला गया था, 2 kg लोड जब डालने से पहले कितना रीडिंग आया था, तो ये आया था एल वन। अच्छा 2 kg लोड डालने के बाद कितना आया तो वो चेक कर लेते हैं। जब 2 kg लोड हमने डाल दिया तो एल टू आया 3.20 × 10⁻²। अब यहाँ से आप डेल्टा एल निकाल, डेल्टा एल एल निकाल लो, तो दोनों को एल टू माइनस एल वन कर दो, ये हो जाएगा 25 × 10⁵ मीटर। होगा लिस्ट काउंट, क्या होगा लिस्ट काउंट, बस आगे करना, क्योंकि किसी भी एरर नहीं दिया हो तो परमिसिबल एरर या इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट होता है वही उसका एक्सेप्टेबल एरर या परमिसिबल एरर कहलाता है। जैसे आपको याद हो रिजोल्यूशन, हमने रिजोल्यूशन टाइप में कराया था रिस्ट वॉच का, तो परमिसिबल एरर जो उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट होता है उसी को बोलते हैं। लिस्ट काउंट कितना है, 1 × 10⁻¹। ओके डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल है 25 × 10⁻¹ इंटू 100। इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 4%। मैक्सिमम परमिसिबल एरर जो है किस में, यंग्स मॉडुलस में, वो है 4%, राइट। सो मुझे कि मैंने कोशिश किया आपको समझाने का, फिर भी अगर वीडियो देखना डाउट आए तो मुझे एक बार बताइएगा जरूर, राइट। सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आएगा वो आएगा स्क्रू गेज। सो टिल देन आप इंजॉय करें अपनी वीडियो को और जरूर बताएं कैसा लगा। थैंक यू।